वेलकम बैक अगेन। सारी चीजों के बाद हम वापस ईशा के बाद अब फ्री हुए। तो अभी लग रही है हमें बहुत तेज भूख, लेकिन भाई अभी तो हमने शॉपिंग की है। सिर्फ चिप्स और बिस्किट और चॉकलेट्स वगैरह हमने लिए 77 रियाल, 5000 रुपए पाकिस्तानी। ये सही है भाई, 5000 रुपए पाकिस्तानी, पैसे पैसे होते हैं भाई। अच्छा खैर, हम लोग यहाँ पे ढूंढ रहे कोई फूड स्ट्रीट। अफसर ने निकाली है, मुझे बोला कि वो फूड स्ट्रीट है कोई, वहाँ चलते हैं, देखते हैं। लेट्स सी, 21 नंबर गेट के सामने है वो कहीं। सारा हमारे राइट पे मदीना है, आप सब देख सकते हैं। पता चले वहाँ कोई रेस्टोरेंट ही ना हो फिर। पक्का 100% हम लोग आप लोगों को ये सब चीजें इसलिए दिखा रहे ताकि आप लोग आए तो आप लोग को हमारी तरह परेशानी नहीं हो, जैसे हम लोग को ढूंढने में और सब करने में परेशानी हो रही है। हम लोग जो है हमारे ब्लॉग की मदद से ये सब चीजें देख पाए, जो जो हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं आपको अपने साथ साथ इसीलिए लेके जा रहे हैं। अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, आप लोग देख सकते हो ये वाला जो फोटो बूथ है कि बिल्कुल सामने है, ये लाइन से बना हुआ। मैंने तो ना नेट पे देखी ना कहीं, ये देख के कहीं से आई है और मुझे लेके जा रही है। अच्छा लगा तो पैसे वापस। लोग फिर चल के देखते हैं। ये वाला भी फोटो बूथ है भाई, इसी के बिल्कुल सामने। भाई साहब देखते हुए चलते हैं। फ्रेश जूसेस, अफगानी फूड, अजवा आइसक्रीम, छोटे-छोटे भाई पाकिस्तानी वो रहे भाई। अरे तुम यहाँ से ले लो, मैं वहाँ से ले लेता हूँ, क्योंकि ये है कि हम मिल बांट के खा लेंगे, टेस्ट दोनों हो जाएगा। पहले इटालियन फूड से हम ट्राई करने वाले हैं पिज्जा भाई, चिकन पिज्जा। अच्छा होना चाहिए, अब मैं ये बता रहा हूँ। क्या वहाँ बन रहा है सामने सामने भाई, फिर ट्राई करते हैं। और भाई साहब हमारा ऑर्डर आ चुका है, तो लेट्स सी के भाई ये कैसा है। अफसा टेस्ट करते हैं चलो। ये तो भाई आपके भाई की फेवरेट ड्रिंक हुई है इधर। अब खाना खाओ और इतनी अच्छा लगता है ना खाते हुए इसके साथ। ओए होए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओ स्पाइसी नहीं है लेकिन अच्छा है। स्पाइसी पसंद भी नहीं है, मैं तभी खिलाया आपको। अब अच्छा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है। चलो भाई टेस्ट में हम दोनों को अच्छा लगा इटालियन पिज्जा, तो चलो फटाफट से खाना खाते। भाई वहाँ से खाना वाना खाने के बाद हम लोग कह रहे हैं मैं रेडी शेडी, वो भी अभी ठीक आधे घंटे बाद मेरा टाइम है, मैं जाना है रेडी करना, वहाँ पे नफल वगैरह पढ़ने का टाइम मिला है, तो बगैर देर के फटाफट से चलते हैं। अरे भाई आपके भाई की साइकिल, आपका भाई यहाँ पे साइकिल पे घूम रहा है अभी। भाई साहब यकीन करो साइकिल चलाने का तो जो मजा आ रहा है ना, यहाँ पे काम नहीं हमारे हराम है और यहाँ पे हम साइकिल पे जा रहे हैं। अब एक जगह ये साइकिल पार्क करेंगे फिर उसके बाद पैदल चलेंगे। चलो जी लेट्स गो। साहब आज फाइनली 3 से 4 दिन बाद मैं यहाँ मस्जिद नबवी में एंटर हुआ हूँ। इस वक्त मुझे मौका मिला है, पूरी खाली, आप सब देख सकते हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलते हैं बस उनको अपना परमिट दिखाते हैं, अंदर चलते हैं, रोजा रसूल पे थोड़ी सी इबादत करेंगे, फिर उसके बाद आगे देखते हैं क्या करना है। ये रखे भाई सारे जमजम, वो मुझे उस दिन किसी ने अरबी में बोला जम 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 जम, मैं समझा वो फिल्टर में जमजम है, और बहुत से लोग यही समझते हैं कि भाई वो जमजम है, लेकिन भाई आप जमजम सारा ही अंदर रखा हुआ है सारा। अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह सारी इबादत हो गई, दुआएं वगैरह भी मांगी, बहुत सारी चीज़ें की, मतलब जो ड्रीम थे भाई के वो भाई ने पूरे किए। तो भाई 1 मिलियन के हम बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो भाई इस वक्त पढ़ी हमने फजर की नमाज़, और फजर की नमाज़ के बाद खुलता है यहाँ पे जन्नतुल बकी का दरवाज़ा, तो वहाँ अंदर वो विज़िट करने जा सकते हैं। चलो वालेकुम या अहले कबूल, अस्सलाम वालेकुम या अहले कबूल, अस्सलाम वालेकुम यार। सुभान अल्लाह कितना प्यारा आसमान हो रहा है सुबह सुबह यार। फातिहा पढ़ते हैं फिर उसके बाद चलते हैं। जी तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। भाई खवातीन हजरात कैसे हैं आप? ठीक हैं, मजे में हैं? आपके भाई के बाल भी आते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ते। खैर ज्यादा लंबी करने का टाइम नहीं, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर इस वक्त नीचे खड़ा हुआ है और हमें जल्द से जल्द मक्का की ज्यारतों के लिए आज निकलना है। सो आज की वीडियो में जिस तरह पहले हमने मदीना की ज्यारतें की थी, उसी तरह आज हम मक्का की ज्यारतें करने वाले हैं। चलो जी लेट्स गो। और भाई इस वक्त मौजूद है होटल के बाहर, अब जल्दी से अपनी गाड़ी ढूंढते हैं। आप ये चलो जी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। भाई अब हम निकल चुके हैं अपनी ज्यारतों के लिए। भाई सबसे पहली ज्यारत कौन सी जा रहे हैं हम लोग? जबले सौर। जबले सौर, अरे सौर भी कहते हैं इसको, और जबले सौर भी कहते हैं, जबल पहाड़ को कहते हैं, वो मुझे पता चल गया, जबले और देखा था मैंने। चलो जी फिर चलते हैं। तो भाई हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं जबले सौर पे, और वो लोग ऊपर जा रहे हैं। उसको देखने के लिए तो बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, वो तो हम नहीं जाएंगे जाहिर सी बात है, लेकिन थोड़ा करीब चलेंगे। हिस्ट्री है कि जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफ़ार ने कत्ल करने का फैसला किया तो वही नाजिल हुई हिजरत की, जिसमें वो हिजरत करके मदीना जा रहे थे, लेकिन बीच में उनको 3 दिन का कयाम करना पड़ा यहाँ पे, इसको जबले सौर कहते हैं, जो मकड़ी वाला वाक्य है जिस मकड़ी ने पूरा जाला बना दिया था ताकि कफ़ार देख ना पाया हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ये हम वहाँ हैं। अब समझ गए भाई, याद आ गया। हाँ से लोग वो जाना शुरू कर रहे हैं, वो देख सकते हैं आप सामने सारे लोग जा रहे ऊपर, जाने में 1.5 घंटा लग जाएगा, और अभी हमने असर की नमाज पढ़ी है तो निकले हम, तो मगरिब से पहले पहले हमने सारी ज्यारतें कंप्लीट करनी है। ये रहा जबले सौर, अब चलते हैं नेक्स्ट ज्यारत पे। अब नेक्स्ट कौन सी ज्यारत है?
अरफात जाएंगे। अरफात का मैदान, मैदान अरफात। ओए अरफात में जमा होंगे सारे वहाँ पे जितने भी हैं हम सब। चलो फिर चलते हैं। तो भाई अब इस वक्त हम मौजूद हैं अरफात के मैदान में। ये सारा पीछे आगे बहुत बड़ा मैदान है। अरफात का मैदान वो है जहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा कि आखिरत के दिन हम सब ने जमा होना है, जहाँ पे सारा हिसाब किताब होगा हमारे अमालों का, जहाँ पे तराजू उतरेगा। हाँ मैं तो जन्नत में जाऊंगा, 70 हूरे भी होंगी मेरे पास, आ रही है समझ। भाई अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ जबले रहमत, जहाँ पे आप ने खुतबा दिया और जैसे आदम अलैहिस्सलाम उतरे थे श्रीलंका के किसी पहाड़ पे और बीबी हव्वा जद्दा में आई थी। ये रही भाई वो पहाड़ी जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा भी दिया था। ये जो आप लोगों ने देखा इसका नाम है जबले रहमत। और कुछ है इसके बारे में तो बता दो भाई। आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा जहाँ पे मिले थे, लेकिन अभी हम लोग के पास टाइम नहीं है कि हम इतना ऊपर जा सके, क्योंकि भाई सूरज ढलने को है, मगरिब होने को है, तो हमें जाना पड़ेगा जबले रहमत की हमने ज़ियारत कर ली। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ज़ियारत पे। अब इनको लगी है चाय की भूख, तो मुझे सुबह से चाय नहीं मिली, मेरी आँखें नहीं खुली। अभी इनको चाय पिलाते सही हो जाएंगे। अच्छे नहीं है ये चिप्स, अच्छे नहीं है, रख दो वापस। भाई ये आ चुकी है हफ्सा की चाय और चिप्स भी मैं ले रहा हूँ, नाराज मत हो भाई। वो गाड़ी वाले भाई भी वेट कर रहे हैं, बस फिर हम चलते हैं। अब हम नेक्स्ट पता नहीं कहाँ जाएंगे यार, मुझे तो शैतान का इंतजार है। बस शैतान से आपके भाई की पर्सनल दुश्मनी है, मैं बता रहा हूँ कल मुझे शैतान के पास ले जाए, मैं बहुत खार आई हुई है, मुझे शैतान को मैंने देखना है और बस छोड़ना नहीं है। चाय पिए बिस्मिल्लाह, बैठ के चाय और चिप्स एंजॉय करो, अंकल भी जब तक खाना खा रहे हैं। अब चाय और चिप्स की पार्टी के लिए हम लोग यहाँ पे ही बैठे, जब चिप्स लिए तो ट्राई तो कराओ भाई कैसे हैं। चिप्स मांगती रहती हैं गाइस ये हर वक्त। नहीं लेज बहुत अच्छा है, बोला इसराइली है लेज, इसराइली है, लेकिन मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ, बचपन पूरा मेरा गुजरा है भाई लेज के साथ। सबसे अच्छी है स्लेंटी, स्लेंटी तो वो अलग है। नहीं भाई चेरी बॉल, चेरी बॉल भाई, चेरी बॉल, चेरी बॉल फ्रायो। स्नैक्स बर्गर और रोली पॉली, चटनी पॉप्स, अचारी पॉप्स। चलो ये फिर से रिपीट किया, चलो ये हार गए मैं, जीत गया। गाइस सब्सक्राइब करें भाई। हाँ याद आया मुझे, तुम लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो भाई, मिलियन के बहुत हम करीब हैं और सब्सक्राइब नहीं हो जा रहा है, तो ये तो बहुत गलत बात है ना यार। चलो इतना प्यारा मौसम हो रहा है, जल्दी से एंजॉय करते हैं और फिर निकलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये पहाड़ी है और उस पे वो जो जगह देख रहे हैं आप लोग, ये यहाँ पे क्या हुआ था अंकल जी? यहाँ पे आप हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लटाया था ना अपने बेटे को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, तो दुम्बा बन गया जी। आप अपने बेटे को बचा लिया अल्लाह पाक ने, अल्लाह पाक की तरफ से दुम्बा बन गया जी। वो जो हज होता है और सारी चीजें कुर्बानी जिसे कहते हैं सर, इसी उसी की सुन्नत पूरी करते हैं हम लोग, जो कुर्बानी करते हैं। सुभान अल्लाह, शैतान के पास लेके चले अंकल जी। अभी नेक्स्ट जो है ना शैतान ही है भाई। ये सारा हमारे राइट पे जो है ये मीना है, मतलब जो हज के दौरान मीना कहलाता है, तो वो ये सारे कैंप्स वगैरह लगाए हुए। शैतान इस तरफ है, किधर है शैतान? हाँ ये है शैतान, ये गोल वाले, अभी जा रहे हैं उस तरफ। आ रहा हूँ बेटा। भाई ये लिखा हुआ है जमारात, ये है तीन शैतान। ऐसे यहाँ पे अलाउ तो नहीं है रुकना सारी चीजें, लेकिन आपका भाई फिर भी उतरा है, क्यों? क्योंकि मुझे एक पर्सनल था मेरे अंदर के भाई शैतान के साथ मैंने एक चीज करनी है। देख सकते हो एक ये रहा, वो तीन शैतान है। सबसे करीब हमारे पास ये वाला है, ये आप सब देख सकते हो ये शैतान है। अब शैतान के साथ जो मैंने करना था ना, वो करना ये था कि भाई ये ले गुस्से में। हाँ नहीं तो भगाता है हमें, रमजान शुरू होने वाले, अभी बंद ये ले। अरे बोरिए जल्दी से चलते हैं, शैतान भी बंद होने वाला है। तो भाई अब जो नेक्स्ट ज़ियारत है हमारे पास वो है ये सामने, आप देख सकते हो ये है गारे हिरा। अब ये वो जगह है जहाँ पे हमारी पहली वही नाजिल हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करने जाते थे, और क्या नाजिल हुआ था? कुरान नाजिल हुआ, कुरान की बहुत आयतें नाजिल हुई इधर। अच्छा इबादत करने के लिए इधर कई कई दिन आते थे। अच्छा माशाल्लाह सुभान अल्लाह, तो असल में जो कुरान है वो यहाँ पे नाजिल हुआ था, यहाँ पे हुआ था हमारा कुरान नाजिल भाई, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ पे देखो भाई सारी स्ट्रीट्स चल रही है अरबानूत और पता नहीं क्या क्या बना हुआ है भाई। ये रही भाई वो गारे हिरा, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। लोग जाते हैं यहाँ पे ऊपर बहुत ज्यादा, वहाँ जाते हैं इबादत करने, नफल पढ़ते हैं, तो बहुत ऊपर है, इसको चढ़ने में भी कोई मतलब इंसान को लगेगा 2-2.5 घंटा। अब ये नेक्स्ट है हमारे राइट पे मस्जिद है जिन, ये जिनों के लिए बनी गई थी असल। और नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पे मस्जिद है फतेह,
ये फतेह के टाइम पे बनाई गई थी भाई। आ गई मस्जिद फतेह सामने ही बिल्कुल हमारे पास क्लॉक टावर भी है भाई, ये 0.5 से दूर लग रहा है। तो भाई साहब फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं, बस चल रही कैमरे में चलते नमाज वगैरह पढ़ते फिर उसके बाद देखते हैं। बहुत भूख लग रही है, नाश्ता नहीं किया।